हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज से 3 दिन बाद आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला खेला जाने वाला है, जो कि गाइस होगा आरसीबी वर्सेस एमआई के बीच में। ऐसे में दोस्तों, देवदत्त पड़िक्कल क्या पहले मुकाबले के लिए अवेलेबल है, इसके ऊपर दोस्तों कंफर्म्ड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। साथ में गाइस, आरसीबी की टीम के ग्लेन मैक्सवेल और काइल जेमिसन ने कर दी है प्रैक्टिस शुरू। अगर दोस्तों आपको प्रैक्टिस वीडियो देखनी है तो मेरी इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हो और आरसीबी की टीम के फैन हो तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आप सभी को टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पहली बड़ी खबर, पहली बड़ी अपडेट की। तो गाइस, ये निकल के आई है आरसीबी की टीम के ओपनर देवदत्त पड़िक्कल को लेकर। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, 2 दिन पहले देवदत्त पड़िक्कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन गाइस कल इनका कोविड टेस्ट किया गया, जहां पे गाइस इनकी रिपोर्ट आई नेगेटिव, यानी कि दोस्तों ये हो चुके हैं रिकवर और अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। आरसीबी की टीम ने दोस्तों कंफर्म कर दिया है कि देवदत्त पड़िक्कल जो है वो गाइस कोविड से ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। और अब गाइस, क्या यहाँ पे देवदत्त पड़िक्कल पहला मुकाबला खेलेंगे, इसके ऊपर दोस्तों कंफर्म न्यूज निकल के आई है। दोस्तों देवदत्त पड़िक्कल के अभी 2 कोविड टेस्ट और होंगे, अगर दोस्तों ये उसमें भी नेगेटिव आते हैं तब गाइस ये आरसीबी की टीम को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद दोस्तों ये आरसीबी की टीम का हिस्सा होंगे। तो गाइस यहाँ पे अपडेट निकल के आई है कि देवदत्त पड़िक्कल पहले मुकाबले से बाहर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से देवदत्त पड़िक्कल पहले मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। तो गाइस ऐसे में आरसीबी की टीम किसी नए ओपनर को उतारने वाली है, जो कि गाइस मोस्ट प्रोबेबली रजत पाटीदार होने वाले हैं। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताओ, आप विराट कोहली के साथ कौन से ओपनर को देखना चाहोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। इस गेम की खास बात यह है कि इसमें आप सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ हेड टू हेड खेल सकते हो। इसको खेलना बहुत ही आसान है, आपको दोनों टीमों में से एक टीम बनानी है, अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बनानी है। और अभी दोस्तों आईपीएल 2021 भी शुरू होने ही वाला है, जो कि दोस्तों माई 11 सर्कल पे अवेलेबल होगा। अगर दोस्तों आपकी टीम ने वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराया तो गाइस आपको मिलेगा 5 गुना ज्यादा कैश, साथ में गाइस आपको वेलकम बोनस के तौर पर 1500 रुपए मिलेंगे और हमारे व्यूअर्स को 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। आपके जीते हुए पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। तो गाइस काफी ज्यादा सिक्योर और सेफ ये एप्लीकेशन है। दोस्तों हाल ही में कई लोगों ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, आप भी जीत सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से गाइस आप माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड करिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। अब गाइस हम बात करते हैं टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की दूसरी बड़ी खबर की। तो गाइस ये निकल के आया आकाश चोपड़ा के स्टेटमेंट को लेकर। तो गाइस आकाश चोपड़ा ने टीम आरसीबी के ऊपर बहुत ही बड़ी प्रेडिक्शन करी है, साथ में गाइस उन्होंने ये बताया कि विराट कोहली के साथ किस खिलाड़ी को ओपनिंग करनी चाहिए पहले मैच में। तो गाइस आकाश चोपड़ा ने यहाँ पे बताया है कि विराट कोहली के साथ दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर हम सभी को पहले मैच में ओपनिंग करते हुए दिखने चाहिए। जी हाँ गाइस, आकाश चोपड़ा ने बताया अगर आरसीबी की टीम को लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन रखना है तो गाइस विराट कोहली के साथ वॉशिंगटन सुंदर काफी अच्छे जमेंगे, साथ में गाइस वॉशिंगटन सुंदर जो है वो पावर प्ले का फायदा भी उठाएंगे। और अगर दोस्तों आरसीबी की टीम इन्हें केवल हिटिंग के लिए भेजती है पावर प्ले के अंदर, तो गाइस आरसीबी की टीम जो है वो गाइस पावर प्ले में लंबा स्कोर बना सकती है, ऐसा दोस्तों आकाश चोपड़ा का कहना है। साथ में गाइस आकाश चोपड़ा ने टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के ऊपर बहुत ही बड़ी प्रेडिक्शन करी है, जहां पे गाइस उन्होंने बताया आईपीएल 2021 में टीम आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करने वाली। जी हाँ गाइस, उनका ऐसा मानना है कि आईपीएल 2020 में आरसीबी की बेस्ट टीम थी और आरसीबी की टीम 4th नंबर पे फिनिश किया था, लेकिन गाइस आईपीएल 2021 में टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो है वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करने वाली, ऐसा दोस्तों आकाश चोपड़ा ने प्रेडिक्शन करी है। तो आपका दोस्तों आकाश चोपड़ा की स्टेटमेंट के ऊपर क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट करके बताना। क्या दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर को आरसीबी की टीम के लिए ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। अब गाइस हम बात करते हैं टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तीसरी और सबसे बड़ी खबर की, जो कि गाइस निकल के आई है आरसीबी की टीम के प्रैक्टिस कैंप से। तो गाइस फाइनली हम सभी को आरसीबी की टीम के ग्लेन मैक्सवेल और काइल जेमिसन दिखे प्रैक्टिस करते हुए। दोस्तों कल के दिन ग्लेन मैक्सवेल ने काफी ज्यादा तगड़ी प्रैक्टिस करी और दोस्तों हम सभी को ये स्विच हिट रिवर्स स्वीप लगाते हुए दिखे, जो कि गाइस हम सभी को पता है इनका फेवरेट शॉट है। साथ में गाइस ग्लेन मैक्सवेल ने एक ही ओवर में कल 5 चौके जड़े, लेकिन गाइस 6th गेंद पे ये हम सभी को आउट होते हुए दिखे, जहां पे गाइस गेंदबाजी करा रहे थे डैन क्रिश्चियन। और गाइस काइल जेमिसन ने भी आरसीबी की टीम की प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन कर लिया है। तो गाइस ये दोनों जो कि सबसे भारी बजट वाले खिलाड़ी है आरसीबी की टीम में, इन्होंने दोस्तों फाइनली आरसीबी की टीम को प्रैक्टिस कैंप में ज्वाइन किया है। अगर दोस्तों आप सभी को ग्लेन मैक्सवेल की प्रैक्टिस वीडियो देखनी है तो गाइस मैं आप सभी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से गाइस आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो ये तक थी। आज दोस्तों ये 3 बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई टीम आरसीबी की तरफ से। तो गाइस अगर आपको ये सारी खबर अच्छी लगी तो आप लोग मेरे इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।